हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चिंतन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाएंगे। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बना रखे हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आजाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, परिभाषा है ए रॉस, बी वॉरेन, सी वैलेंटाइन, डी स्किनर। दोस्तों, ये जो परिभाषा है वो रॉस मनोवैज्ञानिक की है। उन्होंने बताया कि चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टू है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, कथन है ए डीबी द्वारा, बी रॉस द्वारा, सी क्रोध द्वारा, डी गिलफर्ड द्वारा। दोस्तों, ये जो परिभाषा है वो मनोवैज्ञानिक रॉस की है। उन्होंने बताया कि चिंतन जो है संज्ञानात्मक पक्ष ठीक है दोस्तों, में एक मानसिक क्रिया है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे बताया कि चिंतन जो है मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है, ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, ज्ञानात्मक पहलू, और यहाँ पे क्या बताया, संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, चिंतन जो है संज्ञानात्मक पक्ष मिल जाए या ज्ञानात्मक पक्ष मिल जाए या मानसिक क्रिया मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है, चिंतन से संबंधित पक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, ए डीवी, बी रॉस, सी वुडवर्ड, डी ड्रेवर। दोस्तों, चिंतनशील सोच की चर्चा जो है वो जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक ने की है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, ए पूर्व अनुभव, बी भाषा, सी समस्या, डी तर्क। दोस्तों, चिंतन प्रारंभ होने के लिए जो है सबसे आवश्यक जो है वो समस्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जब हम लोगों के सामने कोई भी समस्या आती है तभी चिंतन प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करना प्रारंभ करते हैं, चिंतन प्रारंभ करते हैं। और ये जो चिंतन की जो प्रक्रिया होती है वो किस पक्ष से संबंधित होती है, संज्ञानात्मक पक्ष से, ज्ञानात्मक पक्ष से, मानसिक क्रिया से। दोस्तों, चिंतन जो है विचार करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। चिंतन क्या है, विचार करने की एक मानसिक प्रक्रिया है जिसका जो आरंभ होता है दोस्तों वो किससे होता है, समस्या से होता है। यानी जिसका जो आरंभ होता है दोस्तों वो समस्या के साथ होता है, और चिंतन जो है समस्या के अंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब समस्या का अंत हो जाता है दोस्तों तो चिंतन भी समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, कॉल्सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है, ए शब्द, बी व्यवहार, सी चिंतन, डी समस्याएं। दोस्तों, कॉल्सनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार संकल्पना का जो पुनर्गठन है वो चिंतन है। ठीक है दोस्तों, संकल्पना का जो पुनर्गठन है कॉल्सनिक के अनुसार वो चिंतन है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मनोवैज्ञानिक ह्यू जोज के अनुसार चिंतन के प्रकार हैं, ए ऑप्शन है प्रत्यक्षात्मक और प्रत्यात्मक चिंतन, बी कल्पनात्मक चिंतन, सी तार्किक चिंतन, डी इनमें से सभी। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक ह्यू जोज के अनुसार जो है चिंतन चार प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो चारों प्रकार हैं, पहला जो है प्रत्यक्षात्मक, और दूसरा जो है प्रत्यात्मक चिंतन है, और तीसरा कल्पनात्मक चिंतन, और चौथा तार्किक चिंतन। इनमें से सभी जो हैं वो सही होंगे। दोस्तों, तार्किक चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, सृजनात्मक चिंतन, इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और कल्पनात्मक चिंतन को विचारात्मक तार्किक चिंतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विचारात्मक तार्किक चिंतन। और दोस्तों, प्रत्यक्षात्मक चिंतन को मूर्त चिंतन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके सामने कोई भी विषय वस्तु दे दी जाए और पूछा जाए कि आपने इस विषय वस्तु में क्या क्या देखा, ठीक है दोस्तों, तो वो मूर्त चिंतन कहलाता है। और दोस्तों, प्रत्यात्मक चिंतन को अमूर्त चिंतन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अमूर्त चिंतन, मान लीजिए जो विषय वस्तु आपके सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में आप से लिखने के लिए कहा जाए या उसके बारे में आपसे बोलने के लिए कहा जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप चिड़ियाघर गए और चिड़ियाघर में आपने
काफ़ी पशु देखे, ठीक है दोस्तों, और फिर आप स्कूल में आए और आपसे कहा जाए कि आप जो है भालू के बारे में लिखो, ठीक है दोस्तों। तो भालू तो आपके सामने नहीं है, लेकिन अमूर्त रूप से आप उसके बारे में चिंतन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है दोस्तों। ये मनोवैज्ञानिक ह्यूजोज के अनुसार चार प्रकार के चिंतन हैं, और इन चिंतन से क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा यहाँ से तार्किक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन से मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गिलफोर्ड ने, जो गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक है, अपसारी चिंतन पद जो है वो सृजनात्मकता के लिए किया है, ठीक है दोस्तों। सृजनात्मकता को जो है अपसारी चिंतन कहा है, ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों सृजनात्मकता को तार्किक चिंतन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि सृजनात्मकता जो है वो तार्किक चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से सभी। दोस्तों जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन का जो पद है वो सृजनात्मकता के लिए किया है, ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे गिलफोर्ड जो मनोवैज्ञानिक हैं वो सृजनात्मकता को क्या कह रहे हैं, अपसारी चिंतन बोल रहे हैं, और यहाँ पे दोस्तों ये जो जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने सृजनात्मकता या तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन पद कहा है, ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि विचारात्मक चिंतन जो पद किसने कहा है, तो जॉन डीबी ने सृजनात्मक चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे गिलफोर्ड जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने सृजनात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन को अपसारी चिंतन कहा है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है? ए मॉडलिंग, बी अपसारी चिंतन, बी अपसारी या बहुविध चिंतन, डी अनुकरण। सृजनात्मकता जो है दोस्तों मुख्य रूप से वो अपसारी चिंतन से संबंधित होती है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है? ए विनाशकारी, बी रचनात्मक, सी अपसारी, डी एक रास्ता। दोस्तों सृजनात्मक चिंतन जो है वो सदैव रचनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, ए मनोगतिक प्रक्रिया, बी संज्ञानात्मक गतिविधि, सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, डी भावात्मक व्यवहार। दोस्तों चिंतन का जो स्तंभ होता है वो ज्ञान होता है, ठीक है दोस्तों, और ज्ञान का जो सर्वोच्च बिंदु होता है दोस्तों वो संज्ञान होता है, ठीक है दोस्तों, तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों संज्ञानात्मक गतिविधि या संज्ञानात्मक पक्ष मिल जाए या ज्ञानात्मक पक्ष मिल जाए या मानसिक क्रिया मिल जाए, दोस्तों ये चिंतन के रूप होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इनको ध्यान रखिएगा, आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ए अनुकूल चिंतन, बी स्मृति आधारित चिंतन, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी चिंतन। दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है कि पहले जो सोचने की या चिंतन करने की जो शक्ति थी एक लिमिट तक थी, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन पुटअप होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी बच्चे क्या बताएंगे, लखनऊ बताएंगे, लेकिन अगर लखनऊ के बारे में लिखने के लिए कह दिया जाए तो दोस्तों सबका जो चिंतन होगा अलग अलग होगा, सबके आंसर जो होंगे दोस्तों वो अलग अलग होंगे, अर्थात वो क्या हो जाएगा, चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स यानी अपसारी चिंतन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, ये बताना है? ए सजीवतावाद, बी आत्मकेंद्रिता, सी यथार्थवाद, डी व्यक्तिवाद। दोस्तों बालक का जो चिंतन होता है वो व्यक्तिवाद द्वारा जो है प्रदर्शित नहीं होता है, व्यक्तिवाद जो है दोस्तों वो व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि सजीवतावाद, आत्मकेंद्रता और यथार्थवाद ये जो है चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन खालिस्तान के साथ संबंधित तत्व है?
ए प्रतिभा, बी अपसारी चिंतन, सी त्वरण, डी गुण। दोस्तों प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ये जो सभी संबंधित हैं वो अपसारी चिंतन से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? ए अपसारी चिंतन, बी बच्चों का मानकीकृत, सी जानकारी का पुनः स्मरण, डी विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। दोस्तों तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों में विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक दृष्टिकोण को जो है बढ़ावा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।